नमस्कार, हम माने जीत कुमार और सब चालू कर दिलवाने निश्चित भोजपुरी देखे आदर्शल। आज हम बात कर लो ना, आज हम बात कर लो एगो ऐसा भोजपुरी सिनेमा जरा फिल्म का नाम है भैया फिदा। हाँ, फिल्म का नाम बा फिदा। अब फिदा के बारे में हम क्या बताएं, अब हम पूरा अपडेट लेके आए बने उहे बताएं और ओकरा के वीडियो कल तक देखम तो सुन पाए समझ पाए सब कुछ जान पाए। चलिए मैं वीडियो को चालू कर ले जरा ना। फिल्म का नाम है भैया फिदा। देखिए फिदा फिदा कितना कमाल के फिल्म बा, कितना इनक्रेडिबल फिल्म बा, का बा का नहीं के ये सब कुछ ए वीडियो में चार करोड़ लोग हैरानी परेशानी ना हुई ये सब कुछ जाने खाते वो काम करी। चैनल बनाए बनी सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी, सब कुछ कर दी भाई, सब कुछ कर दी। चलिए उनके वीडियो को चालू कर लिया जो ना फिल्म का नाम बा फिदा। देखिए फिदा फिल्म के मुहूर्त के साथ फिल्म की शूटिंग भी चालू कर गई और उत्तर प्रदेश के बनारस के जिला में। हाँ भैया, उत्तर प्रदेश के बनारस के जिला में फिल्म की शूटिंग भी चालू कर दी। अब भोजपुरी सिनेमा के हर फिल्म भैया यूपी में शूट हो खलता लाजमी बटे भाई, जरा से गिनते कि एक दो फिल्म होला कि बिहार वार में चाहे इधर एना होने मतलब राज्य में शूट होला, अन्यथा सब कुछ यूपी 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 में कहें कि मोटा मोटा रकम जे जगह रखल बटे और आसानी से फिल्म चलो ना चलो आसानी से अपन मोटा रकम आ जाते बटे, फिर का ही कहना प्रोड्यूसर के, फिर का ही कहना। तो फाइनली फिदा फिल्म के भैया शूटिंग चालू हो गई बा। तो दादी फिदा फिल्म एगो एक्शन धारी फिल्म हो कर भी। हाँ, फिदा फिल्म एक्शन धारी फिल्म हो कर भी, कहें कि भैया मलेश के एक्शन बा और मलेश बड़ा बड़ा एक्शन देवे खातिर जाना जाए। हाँ, भोजपुरी सिनेमा में जब भी मलेश के अगर नाम आवला तो बड़ा बड़ा एक्शन दिमाग में छप जाला। तो ये फिल्म में वह एस मलेश हो भैया, तो बड़ा बड़ा एक्शन ए फिल्म में देखे के मिले बा और कमाल हुई। अब कितना कमाल हुई कितना ना, कहें कि एक्शन कर तो जब भी अगर देखल गई बटे प्रदीप पांडे चिंटू के तो बवाल ही लागल, कमाल ही लागल और शानदार भी लागल। कहे कि डायलॉग्स और इमोशन में तो कहीं ना कहीं चूक जालन, लेकिन एक्शन करत बहुत ही शानदार लागल और उनका एक्शन लुक्स भी अच्छा दिखेला, अच्छा दिखेला। तो फाइनल अब एक्शन पर फिल्म कितना कमाल करी कितना ना, ये तो वक्त बताए। बाकी फिल्म के निर्माता बनी जनक शाह। अब जनक शाह फिदा फिल्म बना रहा हूँ तो ये फिल्म की कहानी का हुई और ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस पर कमाल करी। कहें कि अभी एक्शन वाली फिल्म इनकर एगो आई लेवे बहुत मतलब बी फोर यू से जौन फिल्म मतलब भारत माता की जय, वो कम मतलब कोनो का खास फिल्म ना भाई लोग भाना सॉरी भारत भाग्य विधाता, वो फिल्म कोनो मतलब ऐसा ना रहा कि जौन की बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर जाओ सिनेमा हॉल में रिलीज भैल तो ऐसा कुछ खास ना कर पाए जबकि एक्शन से भरपूर रहे लेकिन फिर भी कुछ खास ना कर पाए। तभी फिल्म फिदा कितना खास करी कितना ना, ये तो वक्त बताई समय बताई, अब पहले हम का ही कह सकें। बाकी फिल्म के डायरेक्टर बढ़ दिनकर कपूर और डी के जी। तो दिनकर कपूर के ये फिल्म का हुए कितना कमाल हुई कितना इनक्रेडिबल हुई और कितना सब कुछ बहुत ही बारीकी तरीके से बना पाए हैं जो इनकी प्रदीप पांडे चिंटू शायद पवन खेसारी से बढ़ चढ़ के एगो बड़ा फिल्म दे पाओ। ये तो वक्त और समय बताए। कहे कि देखिए प्रदीप पांडे चिंटू के भी ऐसा नहीं है कैरियर नहीं है कमाल के बाटे अच्छा बाटे, लेकिन कोई ऐसा फिल्म ना होलो ना जौन के लोग यार लोग यार ये फिल्म के देखल जाए यार सच में कमाल फिल्म बटे यार। भोजपुरी सिनेमा के एक्टर लोग से ये एक्सपेक्ट कर ना बहुत ही दुर्भाग्य वाला चीज़ बटे, ना हो पावेला कि कुछ खास हुई कुछ खास हुई ऐसा ना हो पावेला। बाकी फिल्म की कहानी खुद बीरू ठाकुर लिख रहा, बीरू ठाकुर की कहानी में कितना दम हुई कितना ना हुई, कहे कि संघर्ष टू बीरू ठाकुर के ही रहा तो बीरू ठाकुर भी बड़ा लेवल पर आजकल कहानी दे रहा तो ये फिल्म कितना शानदार हुई कितना ना, ये तो वक्त बताए ये तो वक्त बताए। बाकी फिल्म के म्यूजिक को खुद उनकर बाबूजी राजकुमार आर पांडे दे रहा बड़ा और एक फिल्म में देखी स्टार कास्ट में तो प्रदीप पांडे चिंटू संयुक्ता यादव आरोही राजवीर सिंह राजपूत सुशील सिंह संतोष पालमान नीलम पांडे नीलू पांडे विवेक सिंह जैसन स्टार कास्ट ए फिल्म में बाल। तो बाकी फिल्म अभी बनारस में शूटिंग अगर चालू हो बा जितना अपडेट निकल गई हम जरूर बता दिया करो। तो देखते रह जा निश्चित भोजपुरी। बाकी राम जी।